हाल ही में जापान के केन तानाका को आधिकारिक तौर पर 9 मार्च 2019 को 116 साल 66 दिन की जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पुष्टि दी गई। एक हम है जो खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि 25 उम्र भी पार कर जाए तो बहुत होगा। हालांकि ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल दौड़ भाग वाली जिंदगी में आमतौर पर इंसान 80-90 वर्ष ही जी पाता है। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 100-200 नहीं बल्कि पूरे 256 साल की उम्र तक जीवित रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमीर, द इंफो हिंदी में आपका स्वागत है। तो चले शुरू करते हैं। जी हाँ, ली चिंग युवन नामक यह शख्स पूरे 256 साल तक जीवित रहा था। ली पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनकी दवाई से कई लोग गंभीर बीमारी से ठीक हुए थे। खुद ली अपनी पूरी जिंदगी निरोगी रही। ली चिंग का जन्म 3 मई 1677 को चीन के किंजांग जिले में हुआ था। उनके जन्म के समय चीन में क्विंग शासक का राज्य था। जब ली 13 साल के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जिसके बाद ली पहाड़ों पर रहने चले गए थे। 13 साल में पहाड़ पर बसने के बाद ली ने 51 साल की उम्र में वहां से लौटने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और जनरल यू जोंग की सेना में सलाहकार बन गए। जब ली 78 साल का हुआ तो उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। ली चिंग अपने समय एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल थी। कहते हैं कि उन्होंने जीने का मंत्र ही सीख लिया था, इसलिए हमेशा वो निरोगी और फिट रहा। ली चिंग युल की कुल 24 पत्नियां रही है। इसमें से ली चिंग ने अपने जीवन काल में 23 पत्नियों का अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन 24वीं पत्नी उनके मरने के बाद भी जीवित रही थी। इसके अलावा ली चिंग युल के 200 से भी ज्यादा बच्चे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 200 साल के होने के बाद भी वे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाया करते थे। ली बचपन से ही पढ़ने लिखने में सक्षम थे। आमतौर पर स्वीकार किए गए कहानियों के अनुसार उन्होंने कांसु, सांसी, तिब्बत, अन्नाम, सियाम और मंचूरिया से जड़ी बूटियों की खोज की थी। पहले 100 साल तक वह इस व्यवसाय में बने रहे। बाद में अन्य लोगों के द्वारा इकट्ठा की गई जड़ी बूटियों को बेचने का व्यवसाय किया। उन्होंने अन्य चीनी जड़ी बूटियों के साथ लिंगजी, गोजी बेरी, जंगली जिंगसेन, सुओ और गोटूकोला आदि जड़ी बूटियां बेची। 100 साल होने के बाद ली ने अपनी जिंदगी के अगले 40 साल सिर्फ जड़ी बूटियों के सहारे गुजारे। इन जड़ी बूटियों के साथ साथ चावल की शराब को आहार के रूप में प्रयोग किया। ली चिंगू ने अपनी अधिकांश जीवन पहाड़ में बिताया। ली किंगम नामक कसरत की एक टेक्निक में कुशल थी। जब ली से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उनका जवाब, अपने दिल को शांत करो, कबूतर की तरह बिना सुस्ती से चलो, पूछे की तरह बैठो और कुत्ते की तरह नींद लो। ली ने जिंदगी में रिवर के वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे में उसका योगदान की वजह से उनकी पहचान शाही राजघराने में बढ़ गई। शाही राजघराने से ली को शाही संदेश भेजा गया था। ली के 100, 150 और फिर 200 साल पूरे होने पर और न्यूयॉर्क टाइम्स में यह संदेश 1929 में प्रकाशित भी हुआ था। इन संदेश और दस्तावेजों के मुताबिक ली की 6 मई 1933 में मौत हुई थी। खैर, अब यहाँ पर रुकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।